बचपन में पिता को खोया, जवानी में घर, तंगी आई तो बस कंडक्टर बने। सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जिससे प्यार किया उसे बचा न सके। पिता बने तो बेटे को जेल हो गई, और नेता बने तो समाज को जोड़ने में लगे रहे। आज कहानी हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सुनील दत्त की, जिन्होंने शिद्दत और ईमानदारी से जिंदगी के हर किरदार को निभाया, शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन पूरी जिंदगी संघर्ष ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनकी दास्तान सुनेंगे तो दिल झकझोर जाएगा। नमस्ते, मैं अंशुल हूँ, आप हैं मंच पर। 6 जून साल 1929 को पाकिस्तान के झेलम जिले के एक गांव में बलराज का जन्म हुआ। जब उम्र महज 5 साल की हुई तो इनके पिता का निधन हो गया। बचपन से जवानी की दहलीज पर गए तो अपना घर छोड़ना पड़ा। वजह बना साल 1947 का बंटवारा। 18 साल की उम्र में वो पहले लखनऊ और फिर बाद में मुंबई गए, और साल 1951 में ग्रेजुएशन करने के लिए जय हिंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। परिवार में माँ, एक भाई और एक बहन थी। रोटी पानी का जुगाड़ करना था तो बस में कंडक्टर की नौकरी करने लगे। जिंदगी की गाड़ी चल तो रही थी, लेकिन कुछ अलग करने की सोच दिमाग में हमेशा कुलबुलाती रहती। उर्दू भाषा में अच्छी पकड़ और बेहतरीन आवाज थी तो रेडियो सिलोन में बतौर प्रेजेंटेटर की नौकरी करने लगे। यहाँ पर तमाम फिल्मी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था, और इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर रमेश सहगल से हुई। सहगल साहब को बलराज दत्त इतने पसंद आए कि साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में काम करने का ऑफर दे दिया। इस तरह से बॉलीवुड में ब्रेक मिला। अब दुनिया बलराज दत्त को सुनील दत्त के नाम से जानने लगी। साल 1956 ये वो दौर था जब फिल्म डायरेक्टर महबूब खान मदर इंडिया बना रहे थे। एक्ट्रेस नरगिस बतौर हीरोइन फाइनल हो चुकी थी और हीरो की तलाश के लिए ऑडिशन किए जा रहे थे। सुनील दत्त बिना देर किए वहां पहुंचे और ऑडिशन दिया, और अपनी बेहतरीन एक्टिंग की दम पर वे सिलेक्ट हो गए। साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया के बाद सुनील दत्त रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, फिर क्या था, साल दर साल अपनी फिल्मों के जरिए वो बेहतरीन एक्टर के रूप में स्थापित हो गए। बतौर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी काम किया, तमाम नए कलाकारों को मौका दिया। साल 1968 में पद्मश्री मिला। फिल्म फेयर के साथ दुनिया भर के कई अवार्ड से नवाजे गए, और एक्ट्रेस नरगिस जैसी जीवन साथी का साथ मिला। दरअसल नरगिस और सुनील की लव मैरिज हुई थी। किताब डार्लिंग जी, द ट्रू लव ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त में लेखक ईश्वर देसाई लिखते हैं कि सुनील और नरगिस की पहली मुलाकात रेडियो सिलोन के स्टूडियो में एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी। उस दौरान नरगिस एक जाना माना नाम बन चुकी थी। सुनील नरगिस को देखकर घबरा से गए और एक सवाल भी नहीं पूछ पाए। शायद मन ही मन वो नरगिस को दिल दे बैठे थे। दूसरी मुलाकात साल 1953 में रिलीज हुई फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई, और तीसरी मुलाकात फिल्म मदर इंडिया के ऑडिशन के दौरान। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के बिगड़ैल और गुस्सैल बेटे का किरदार निभाया था। फिल्म की शूटिंग के वक्त दोनों करीब आए। दरअसल फिल्म के एक सीन को शूट करने के लिए आग लगाई गई थी, लेकिन आग विकराल हो गई और नरगिस आग में फंस गई। सुनील ने नरगिस की जान बचाई, लेकिन नरगिस तो बच गई, सुनील बुरी तरह से जल गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस ने सुनील का अस्पताल में ख्याल रखा, और इसी दौरान सुनील ने तय कर लिया कि नरगिस के साथ ही पूरा जीवन गुजारना है। एक दिन आखिर सुनील ने नरगिस को प्रेम का इजहार कर ही दिया। नरगिस भी हामी भरे रह न सकी। साल 1958 में दोनों ने चोरी छुपे शादी की, और दुनिया को इस बात की खबर एक साल बाद हुई। नरगिस को जब कैंसर हुआ तो सुनील ने उनके इलाज के लिए भारत से अमेरिका एक कर दिया, ताकि नरगिस को जिंदा रख सके, लेकिन नरगिस का साल 1981 में निधन हुआ। सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हैं, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नर्मदा दत्त। एक वक्त जब संजय दत्त शराब, सिगरेट और ड्रग्स के लती हो गए, मुंबई बम धमाके में संजय दत्त का नाम आया, तो संजय दत्त को बचाने के लिए सुनील दत्त ने दिन रात एक कर दिया।
बेटे के लिए वो अपने राजनीतिक विरोधी बाल ठाकरे से मिलने तक गए, लेकिन संजय दत्त को सजा हुई। आज संजय दत्त सजा काटने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी बिता रहे। बॉलीवुड में अपनी चमक बिखेरने के बाद सुनील दत्त राजीव गांधी के कहने पर पॉलिटिक्स में आए। कांग्रेस की टिकट पर मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से पहली बार साल 1984 में और दूसरी बार साल 1999 में सांसद बने। मनमोहन सरकार के दौरान साल 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में मंत्री भी बने। साल 1947 में बंटवारे के दौरान दंगों में उनके पिता के एक मुस्लिम दोस्त ने उनकी और उनके परिवार की जान बचाई। ये बात उनके दिल में घर कर गई। शायद यही वजह रही होगी कि शांति और सद्भाव जैसे शब्दों को जिंदगी में आत्मसात करने वाले सुनील दत्त पूरी उम्र हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश समाज को देते रहे। आखिरी बार साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म मुन्ना भाई MBBS में यादगार किरदार निभाने वाले सुनील दत्त का 25 मई साल 2005 को 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के एक मजे हुए कलाकार, परिवार को मुसीबतों में निकालने वाले एक बेटे, पत्नी से बेअंतहा मोहब्बत करने वाले पति, अपने बच्चों के साथ हर मुसीबत में खड़े रहने वाले पिता और समाज को भाईचारे का सबक सिखाने वाले एक राजनेता के रूप में सुनील दत्त को हमेशा याद किया जाएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।